डॉक्टर साहब, मुझे नी रिप्लेसमेंट नहीं करानी, मुझे नी रीसर्फेसिंग करानी है। मुझसे हर रोज ये सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नी रिप्लेसमेंट क्या है और नी रीसर्फेसिंग क्या है। मैं हूं डॉक्टर साइमन थॉमस, आई एम द डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग। अनलाइक वॉट यू थिंक, काफी लोगों का विचार है कि जब हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं तो पेशेंट के घुटने को खोल के उनके बहुत बड़े बड़े हड्डी के सेगमेंट्स को निकाल के फेंक दिया जाता है और उसमें मेटल्स के नए आर्टिफिशियल पार्ट लगा दिए जाते हैं और पेशेंट रोबोट की तरह चलते हैं। ऐसा नहीं है। हमेशा से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नी रीसर्फेसिंग सर्जरी थी, यानी कि कहते इसको नी रिप्लेसमेंट है लेकिन आपका नी, उसके मेजर लिगमेंट्स, मसल्स, वो सब इंटैक्ट रहते हैं। उसके ऊपर की जो कार्टिलेज की जो कैपिंग होती है, जैसे आप इमेजिन करें आपके घर में जो फ्लोर के ऊपर की टाइल है, अगर वो टाइल का कुछ पार्ट खराब हो जाए तो जब आप रिनोवेशन कराते हो तो पूरी फ्लोर को आप नहीं हटाते, आप सिर्फ उस टाइल को हटाते हो। वैसे ही कार्टिलेज की पूरी कैपिंग को हम दोबारा से रीसरफेस करते हैं, यानी कि उस कार्टिलेज की कैपिंग को एक मेटालिक कोटिंग से हम रिप्लेस करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली नी रीसर्फेसिंग। ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने बोला नी रिप्लेसमेंट करना है लेकिन सो एंड सो डॉक्टर ने बोला कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, नी रीसर्फेसिंग ही है। तो एक्चुअली दोनों ही डॉक्टर्स सेम बात बोल रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है। दुनिया में जो सबसे सफल इलाज, अगर किसी पेशेंट को नी पेन के साथ आराम नहीं आ रहा तो नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग ही है, बोथ आर सेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।